असम का सीमा में हुआ है, तो असम पुलिस को इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, असम पुलिस को केस रजिस्टर करना पड़ेगा, बिकॉज जहां में इंसिडेंट हुआ है, फायरिंग हुआ है, काफी सिविलियन लोग इसमें इन्वॉल्व है, वो सिविलियन लोग को आर्म्स कहां से मिला। सो जब थोड़ा सा ठीक हो जाएगा हम लोग को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। इससे पहले असम और मिजोरम पुलिस के बीच कल हुई हिंसक भिड़ंत के बीच आज असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा सिलचर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री एसएमसीएच अस्पताल में भर्ती घायलों से उन्होंने मुलाकात की, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। असम सरकार ने शहीद जवानों के परिवारों को 50-50 लाख मुआवजे देने का भी ऐलान किया है। इस मामले में असम के मंत्री परिमल शुक्ला का क्या कहना है, सुनिए जरा। वहां का जो बॉर्डर का एसपी है, इन लोग का साथ बैठ के बातचीत चल रहा था, उसी टाइम पे जैसा क्या कहूं आपको कि कोई कारण नहीं है, ऐसा ही पहले तो पत्थर या ईटा वगैरह देके पहले वो हंगामा मचाया, उसका बाद में बस अंधाधुंधा बस फायरिंग शुरुआत किया। फायरिंग में अभी तक 6 पुलिस पर्सनल का जान गया, अभी भी ऊपर में बहुत सारे आदमी है, करीबन 80 आदमी अभी इंजर्ड है। जरा दो तस्वीरें भी आप